1500 का इनाम आया है मैच जीतने पे, और ये फाइनल सेट चल रहा है, ये फाइनल सेट चल रहा है आपके बीच। सिपुरा कमेंट बॉक्स पर आकर मिलने आपसे मिलना चाह रहे हैं। सिपुरा तो पहली सर्विस लेकर तैयार आजमगढ़, अच्छी सर्विस सही तरीके से आप देख रहे हो, हल्का सा क्रॉस जरूर किया लेकिन संभाला गया है। शफी क्रॉस कर रहा है, शफीकुर रहमान लंबा क्रॉस, रोहित ने अच्छा डिफेंड किया और फिर रोहित के बाद में आया जा रहा है, बेहतरीन कामयाब हुए रोहित अपने सर्विस चेंज कराने में। लवाल के स्कोर पे, लवाल के स्कोर पे ये खेल बड़ा प्यारा है, तीसरा सेट चल रहा है दोस्त, दोनों टीमें एक एक सेट जीत चुकी हैं, आजमगढ़ और वाराणसी, DLW वाराणसी, रोहित चुस्सर चंप के साथ खूबसूरत सर्विस और ये बैक से पहुंच हल्का सा ड्रॉप दिया, जगह देख रहे थे, प्लेसमेंट किया और कामयाब हुए सर्विस को चेंज कराने में। लवाल के स्कोर पे आजमगढ़ टूसर, तो सोचते हुए अपने खेल को दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, एक दिलकश नजारा फेस करता हुआ ये मुकाबला। सही तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बेहतरीन सर्विस थी, सही पास नहीं मिला और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्विस को चेंज कराने में कामयाब लव अंगेसलर, लगभग 0-0 एक मौका फिर आप देख रहे, बेहतरीन प्रहार करना चाहा और ये आवे स्कोर का आगाज किया है DLW वाराणसी 1 और आजमगढ़ 0। तो दोस्त इस मुकाबले में आप देख रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र, सत्यम राय, शरद चंद, रवेश राय, उपेंद्र यादव, आलोक राय और फिर यहां पे मोहसिन कामयाब हुआ सर्विस को चेंज करने में कामयाब हुए 0-1 के स्कोर पे, 0-1 के स्कोर पे शफीकुर रहमान टीसर और ये अच्छी सर्विस, बड़ी खूबसूरत सर्विस, अच्छा पास किया गया वहां पे और रोहिता ने डेढ़ ब्लॉक किया वहां पे मोहसिन, लेकिन फिर क्रॉस कर दिया था। एक मरता फिर आप देख रहे हैं कि ये शफीकुर रहमान कामयाबी हुए, शफीकुर रहमान 1-1, दोनों टीम का स्कोर बराबर। अनंत देव राय, आरती देवी आप देख रहे हैं कि ये मुकाबला चल रहा है यहाँ पे पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खूबसूरती के साथ हल्का सा वहां पे फिर संभालने की पूरी कोशिश और शायद ने क्रॉस किया। एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चल रहा है और डेढ़ ब्लॉक, एक और पॉइंट आजमगढ़ के खाते में, एक और पॉइंट, 2-1 का स्कोर आजमगढ़ 2 DLW वाराणसी 1 आजमगढ़। बड़े अच्छे ताश में आप देख रहे हैं कि ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है, कुछ सोचते हुए अपने काम को अंजाम देना चाहेंगे। अभिमन्यु का अच्छा पास और फिर वहां पर अच्छा ब्लॉक मोहसिन लगातार सेंटर ब्लॉक की भूमिका निभा रहे हैं और वहां पे कूद कर डिफेंड किया वसैद, लवली डिफेंस, जीशान ने हल्का सा क्रॉस किया, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट और मिल जाएगा, 3-1 पे मुकाबला आजमगढ़ 3 और DLW वाराणसी 1 तीसरा सेट, बेहतरीन मुकाबला दोनों टीम के बीच चल रहा है दोस्त। एक मतलब फिर अच्छा ब्लॉक किया मोहसिन, बेहतरीन ब्लॉक कर रहे हैं और फिर एक मतलब फिर ब्लॉक ऐसी शान है मोहसिन, एक और पॉइंट, 4-1, बेहतरीन मुकाबला यहां पे मैं देख रहा हूं चल रहा है। DLW वाराणसी कुछ दबाव में है, आजमगढ़ अब अपने खेल के चरम पे है, अपना एक अच्छा खेल आजमगढ़ दिखा रहा है। एक मतलब फिर वहां पे आप देख रहे हैं कि एक और ब्लॉक, एक बेहतरीन ब्लॉक किया, एक और पॉइंट, 5-1 का स्कोर। कि सफलता का कहीं से गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। तो दोस्त ये टाइम आउट, 500 रुपए की नाम, 1500 के नाम यहाँ पे, 5-1 का स्कोर है आजमगढ़ टूसर, अच्छी सर्विस थी सही तरीके से पास और फिर वहां पे जरूर मैं देख रहा हूँ खेल को अपने दिखा रहे, फिर वहां पे लगातार एक और पॉइंट, 6-1, 6-1 का स्कोर आजमगढ़ 6 DLW वाराणसी 1, बेहतरीन मुकाबला चल रहा है यहाँ पे सही तरीके से। मैं देख रहा हूँ कि अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश, बहुत अच्छे अंदाज में देख रहा हूँ कि ये मुकाबला यहाँ पे चल रहा है और फिर वहां पे जरूर ब्लॉक किया था
और कामयाब है और फोर हैंड का ऐसा यहाँ पे आया 4-7-1 का स्कोर यहाँ पे है। डीएलडब्ल्यू वाराणसी दबाव में है, डीएलडब्ल्यू वाराणसी दबाव में देखा जा रहा है यहाँ पे और 7-1 अच्छी सर्विस। अभिमन्यु का सही पास नहीं, काउंटर को आता जा रहा, हल्का सा डाल दिया, सुभान ने संभाल लिया और इस मरतबा गलती कर बैठे यहाँ पे मोहसिन, सर्विस चेंज हुई 1-7 के स्कोर पे। देख जबरदस्त ये मुकाबला स्वर्गीय राजेंद्र नाथ राय यम पंडित स्वर्गीय श्याम सुंदर मिश्र की याद में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है यहाँ पे और स्कोर 1-7 है। 1-7 का ये मुकाबला रोहित टूसर, रोहित की ये सर्विस सही तरीके से पास किया गया और हल्का सा ड्राफ्ट दिया, बड़ा जहरीला ड्राफ्ट यहाँ पे जैद ने दिया, सर्विस को चेंज करने में कामयाब। हमारे साथ सुजीत शान जो आजमगढ़ क्रिकेट की एक कमेंट्री के शान है, सुजीत शान मैं उनका भी वेलकम कर रहा हूँ और सुशील तिवारी जो बता रहे हैं कि उनका नेशनल कमेंट्री कमेंटेटर के तौर पर सिलेक्शन हुआ है सुशील तिवारी का, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। खूबसूरत वहां पे स्मैश किया गया बार नंबर के द्वारा, सभी चेंज हुई 1-7 के स्कोर पे। तो सुजीत शान आजमगढ़ क्रिकेट का एक नई पहचान देने वाला कमेंट्री की हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा सेट चल रहा है 1-7 डीएलडब्ल्यू वाराणसी कुछ करना चाह रहा और एक बार फिर वहां पे दबाए गए लेकिन क्रॉस कर दिया शफीकुर रहमान जी। जी हाँ ये मैं देख रहा हूँ कि लोगों को आजमगढ़ पे कुछ आ रहा है कि जो डीएलडब्ल्यू एक बड़ा नाम है दोस्त, उसको मैं देख रहा हूँ किस तरह से अपने सामने दबा के रखा है तीसरे सेट में आजमगढ़, आजमगढ़ दबाए हुए है डीएलडब्ल्यू वाराणसी को और बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि गरज रहा है, बरस रहा है, दहाड़े मार रहा है आजमगढ़। 8-1 का स्कोर डीएलडब्ल्यू, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। तो आज डीएलडब्ल्यू वाराणसी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अब ग्राउंड चेंज कर रही है दोनों टीमें ग्राउंड चेंज कर रही हैं। आजमगढ़ के नौजवान होनहार नौनिहाल चेहरे ये बता रहे हैं कि आजमगढ़ का वॉलीबॉल का मैदान अब कुछ करने वाला है। 8-1 का स्कोर है, 8-1 का स्कोर, एक खूबसूरत मुकाबला और दर्शक की जो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इस सर्द भरे शाम में दर्शक बिल्कुल यहाँ पे अपने मैच को देख रहे हैं, मैच से दूर नहीं हो रहे हैं। और फिर बड़ी खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे और ये जबरदस्त अंदाज और यहाँ पे जी हाँ एक पॉइंट अर्जित किया है 9-1 आजमगढ़ 9 डीएलडब्ल्यू वाराणसी 1। तीसरा सेट है, इस सेट को जो जीतेगा मुकाबला जीत लेगा, इस सेट को जो जीतेगा। तो आजमगढ़ वाले फूले समा नहीं रहे हैं, आजमगढ़ वाले सीना तान कर ताली बजा रहे हैं यहाँ पे और ये शफीकुर रहमान अच्छी सर्विस बड़ी खूबसूरती के साथ आप दिख रहे हैं, हल्का जरूर क्रॉस किया और वहां पे बड़ी कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हुई। 1-9 डीएलडब्ल्यू वाराणसी 1 आजमगढ़ 9, सोचते हुए अपने खेल को दिखा रहे हैं, कुछ सोच समझ के। रोहित की यह सर्विस काफी अच्छी सर्विस और लवली इसमें चोर दरवाजे से एक सब्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पे डीएलडब्ल्यू में, तो जबरदस्त गेम शो किया यहाँ पे आजमगढ़। मैं देख रहा हूँ कि अभी बता रहा है कि संभल के आइएगा, सोच के आइएगा, ये नौनिहाल जरूर है लेकिन वॉलीबॉल की हर शाखा पे चढ़ने का हुनर मालूम है। और श्री गेट बला जी मुजफ्फरनगर और गोरखपुर भाई 10 मिनट के अंदर ग्राउंड पे आ जाए, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर दोनों टीम। धन्यवाद भैया, सही कहा आपने, ये चमत्कार से कंपनी है, अगर ये ट्रेंड होगा तो जरूर 10-1 किसी ने सोचा नहीं था। मैं साथ ही अपने सहयोगी का और मेरे बगल में बैठे काफी युवा और काफी बेहतरीन प्रतिभा, मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से आप सबका कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं। 10-1 का इसको, आजमगढ़ बेहतर खेल रही है और ये हिट होने वाला है, मैं बताऊं डीएलडब्ल्यू के लिए ये मुकाबला भूलेगा नहीं, जो भी टीम अगर हारती है वो हार चुभने वाली है,
क्योंकि जीत के स्वर्णिम शिखर पर हैं आप। आपने उन पगडंडियों को पार करते करते सफलता के मुहाने पे आप खड़े हैं। शरद चंद्र उपाध्यक्ष जी आप आ जाए, भैया को आपको ढूंढ रहे हैं और इन पे ताली बजनी चाहिए। मैं दर्शकों को बता दूं, ये शानदार काम मैं बताऊं, गाजीपुर में आजमगढ़ की टीम आती है, मेरा काफी सम्मान करती है। 12-1 का इसको। शरद चंद्र जी आप यहाँ पे आ जाएं, 12-1 का स्कोर। डीएलडब्ल्यू मुश्किल में है इस समय, डीएलडब्ल्यू मुश्किल में नजर आते हुए ये गलती कर दी आपने, गेंद को क्रॉस कर सकते थे। टीम कप्तान गोरखपुर कॉलेज वर्सेस टीम कप्तान मुजफ्फरनगर, इस मैच के तुरंत बाद आप रिपोर्ट करें। डीएलडब्ल्यू 1 आजमगढ़ 12, 1-12 का स्कोर। मौका आजमगढ़ के लिए, मौका डीएलडब्ल्यू के लिए, अंक लेना पड़ेगा डीएलडब्ल्यू को, मगर लंबी रैली चल रही है यह मुकाबला। डीएलडब्ल्यू के पास मौका बन गया है अभिमन्यु, इतना हल्का सा स्पेस, मौका डीएलडब्ल्यू के लिए और बड़े बड़े पुरस्कार राशि, 500 रुपए की पुरस्कार राशि। राजेश राय जी 500 रुपए का पुरस्कार आपने रखा है एवं आदरणीय हरिकांत राजभर जी ने आपने भी 500 रुपए का पुरस्कार रखा है एवं चंद्रभान मौर्य जी आपने 500 रुपए का पुरस्कार रखा है। ये सभी इनाम है इस मैच को जीतने के लिए। जो भी सम्मानित है, माननीय है, आपने पुरस्कार डीएलडब्ल्यू, इनकी क्या तारीफ करूं, अपनी प्रतिभा के साथ न्याय किया है इस खिलाड़ी ने। 3-12 का स्कोर जरूर है, फिक्स में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो खिलाड़ी फिक्स के मैचेस को खेलते हैं वो जानते हैं। 3-12 है इस समय, 3 अंक चाहिए आजमगढ़ को इस मैच को जीतने के लिए। डीएलडब्ल्यू 3 आजमगढ़ 12, 3-12 का स्कोर। मगर ये चीन की दीवार है आज डीएलडब्ल्यू की, जो बिरला प्लस के सीमेंट से बनी है। 4-12 होता हुआ डीएलडब्ल्यू वाराणसी 4 आजमगढ़ 12, 4-12 का स्कोर। मौका बना है इस समय वाराणसी के लिए, शानदार मौका डीएलडब्ल्यू के लिए फिर बन गया है। लगातार अंक बना रही है डीएलडब्ल्यू। सुधांशु के पास मौका कि काउंटर को गेंद कर दी। अब भी लंबी रैली चल रही है, इस टूर्नामेंट की सबसे लंबी रैली। इनकी क्या तारीफ करूं, दर्शकों ताली बजा दीजिए, डिफेंडर की आंखें बंद हो गई। इतनी बड़ी गेंद, इतना ताकतवर स्मैश, सफलता के रथ पे सवार डीएलडब्ल्यू। पहाड़ों के पास मौका अंक लेने का, आजमगढ़ के पास तो दोस्त ये मुकाबला बड़ा प्यारा चल रहा है दोनों टीम के बीच और तेज प्रहार जरूर किया कि यहाँ पे एक पॉइंट अर्जित किया 6-12। अब वापसी कर रहा है डीएलडब्ल्यू वाराणसी, लेकिन आजमगढ़ को 3 पॉइंट चाहिए इस खेल को जीतने के लिए और एक चेंज तलाश रहा है आजमगढ़। एक चेंज मिले काम किया जाए, तो क्या चेंज मिलेगा। और ये महसैन बेहतरीन प्रहार किया, घमासान बेहतरीन, ये घमासान क्या, ये खेल चल रहा दोनों टीम के बीच। फिर ओपन लॉक करवाया था सुभान, लेकिन कामयाब नहीं है। फिर खूबसूरत ब्लॉक लगातार मैंने कहा दोनों टीम के बीच चल रहा है और काउंटर को अपनाया गया। डेड ब्लॉक किया वहां पे महसैन सिंगल हाथों से, सिंगल ब्लॉक था वहां पे, लेकिन बिल्कुल जहां से भरना चाहे वहीं दबा दिया। 12-6 अ गोल्डन चांस फॉर आजमगढ़, अ गोल्डन चांस फॉर आजमगढ़, टेक अ पॉइंट। 12-6, 12-6, शफीकुर रहमान तैयार सर्विस करने के लिए, अंपायर की विसिल हुई, सो इस तरीके से सर्विस करेंगे। अच्छी सर्विस थी, सही तरीके से अब पास किया गया और वहां पे बहुत चतुराई के साथ सेटर ने काम को अंजाम दिया, सेटर ने काम को अंजाम दिया। ये मालूम है वाराणसी को, मालूम है दोस्त कि ये डीएलडब्ल्यू को मालूम है कि किस तरह से अपने खेल को दिखाना है। अब यहाँ पे हर वक्त उन्हें चेंज की निगाह में रहेगा कि चेंज लेना है, पॉइंट बनाना है, तभी काम मिलेगा। और पेच दास में आप देख रहे हैं कि ये खेल, और फिर महसैन लवली स्मैश, भाई महसैन लवली स्मैश, 12-6,
वाराणसी को दोस्त यहाँ पे जबरदस्त काम देना होगा, जबरदस्त यहाँ पे ये खेल लिखा। हेलो हेलो हेलो, अरे बाप रे, 13 हो गया तो यहाँ पे पॉइंट हासिल किया आजमगढ़ 13 DLW वाराणसी 6। पहला सेट जीता DLW, दूसरा जीता आजमगढ़ और तीसरे सेट में कह रहा है आजमगढ़ DLW वाराणसी से संभल के रहिएगा, कभी भी घंटी बज सकती है खतरे की। और फिर अच्छा वाला एक और पॉइंट यहाँ पे सर्विस चेंज कराने में कामयाब है दोस्त, जो टीम जीतेगी उसे यहाँ पे राजेश राय श्रीराम ट्रेडर राजेंद्र की तरफ से यहाँ पे 500 रुपए की इनाम मिलेगा। और दोस्त यहाँ पे 500 रुपए की इनाम हरिकांत राजभर की तरफ से आ रहा है और दोस्त यहाँ पे चंद्रभान मौर्य भी 500 रुपए की इनाम दे रहे हैं मैच जीतने पे, 1500 रुपए की इनाम है दोस्त इस मुकाबले को जीतने पे। तो ये किस तरह से बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये खेल चल रहा है 6 और 13। DLW वाराणसी कुछ सोच रहा है कि कहां से, लेकिन ये मुफलिसी में आटा गीला कर बैठे, खराब सर्विस किया, सर्विस चेंज हुई बड़ी आसानी के साथ 13 और 6 की सफलता का कहीं से गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता, तो कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां पे मैं देख रहा हूं आजमगढ़ गुड गोइंग यहां पे दोस्त, और मैं देख रहा हूं कि जो टीम यहां पे है DLW वाराणसी कुछ सोच रही है कि ये तो आजमगढ़ फंसा लिया है अब 13 और 6। अच्छी सर्विस थी, सही पास बिल्कुल नहीं मिला और उसे क्रॉस कर रहे हैं, गोल्डन चांस फॉर आजमगढ़, टेक पॉइंट किसको आजमाएंगे, मोहसिन को आजमाया जा रहा है और मोहसिन ने एक अंक को अर्जित किया 14। नाउ मैच पॉइंट कैप्टन रेडी DLW वाराणसी, मैच पॉइंट कैप्टन रेडी DLW। अगला मुकाबला गोरखपुर और मुजफ्फरनगर, आ जाए गोरखपुर और मुजफ्फरनगर तुरंत गैलरी में आ जाए, मुजफ्फरनगर गोरखपुर गैलरी में आ जाए। 14-6 का स्कोर, बड़ी खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं मुकाबला और वहां जरूर हल्का सा पुश किया था। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैद को देखा, बताया जा रहा है कि जैद ही आपका, आपको ये अवसर बनाए, इस अवसर को आप बनाए, लेकिन अभी नई नवेली टीम है, नौजवान टीम है, कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रही है। एक मरत फिर DLW वाराणसी की सर्विस अच्छी सर्विस थी और अशरफ को आजमाया गया, बेहतरीन डिफेंड किया गया वहां पे, किसी तरह से क्रॉस करना चाह रहे हैं और ये जैद छोटे हैं लेकिन काम बड़ा किया अपनी टीम के लिए 14 और 6। आजमगढ़ में देख रहा हूं कि जबरदस्त अंदाज में सत्यम राय आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं सत्यम राय इस खेल को देखकर, इस कामयाब सफल टूर्नामेंट को देखकर, इस सफल आयोजन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शफीकुर रहमान की खूबसूरत सर्विस, सही पास पैक से अभिमन्यु को, लेकिन यहाँ पे नतीजा ये हुआ कि ये आउट ऑफ। रवीश राय भी मैं देख रहा हूं कि इस मुकाबले को देख रहे हैं, बिल्कुल ये मुकाबला हाई वोल्टेज है, 6 और 14 का स्कोर, कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जीशा एक मरतबा फिर बड़ा खूबसूरत डिफेंड किया गया रोहित के द्वारा और काउंटर को आजमाया जा रहा है, लेकिन फिर जीशा ने संभाल, फिर गेंद क्रॉस हुई है, घमासान की दोस्त ये रैली चल रही, अभिमन्यु लंबा क्रॉस किया और सैद ने संभाला और इस मरतबा फिर शफीकुर रहमान के लिए, लवली स्मिथ बाई शफीकुर रहमान, एक बेहतरीन प्रहार किया शफीकुर रहमान, वंस अगेन मैच पॉइंट कैप्टन रेडी DLW वाराणसी, DLW वाराणसी तैयार है आखिरी पॉइंट के लिए, तैयार है शफीकुर रहमान। इसके बाद गोरखपुर और मुजफ्फरनगर बिल्कुल तैयार है, गली में आ जाए गोरखपुर और मुजफ्फरनगर, अच्छा पास किया गया वहां पर दोस्त और ये ओपन लॉक का पूरा फायदा उठाया। सेटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है वॉलीबॉल के मैदान में, जो सेटर होता है दोस्त वही जो अपने स्पाइकरों को बिल्कुल ओपन करवा देता है कि अपने गेम को आप शो करें, मनचाहा स्मैश करें। शफीकुर रहमान का अच्छा पास और ये बेहतरीन, लेकिन फिर उसे ने संभाल लिया, तो सुभान किसको आजमाएंगे, जीशान को आजमा रहे हैं, टच आउट का चक्कर कामयाब रहे जीशान, वंस अगेन ना मैच पॉइंट कैप्टन रेडी, मैच पॉइंट कैप्टन रेडी 14-6 के स्कोर पे शफीकुर रहमान अपने गेम को शो कर रहे हैं यहाँ पे 14-6 और ये लहराती हुई बड़ी खूबसूरत सर्विस थी, सही पास जरूर किया गया अभिमन्यु को, लेकिन एक बार यहाँ पे आप देखेंगे कि अंपायर का इशारा क्या होगा और इस तरह से ये मुकाबला आप देख रहे हैं कि अंपायर का आउट 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 है, दूर बहुत दूर भी है और इस तरह से मुकाबला जीत लिया 15-6 से। आजमगढ़ टीम कैप्टन आए 15